साथियों नमस्कार। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री में एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेड होंगे। तो आखिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की एक नई पोस्ट क्यों बनाई गई है और इस पोस्ट का क्या उद्देश्य है, क्या क्या जिम्मेदारियां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की होंगी, इसी विषयों पर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। कारगिल युद्ध के बाद एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी और इस कारगिल रिव्यू कमेटी ने सजेस्ट किया था कि हमें एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नई पोस्ट बनानी चाहिए। उस रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी अलग अलग रिपोर्ट देते हैं, उनकी अलग अलग रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्टर के पास पहुंचती है और कई बार उन तीनों की अलग अलग रिपोर्ट होने से कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन पैदा ना हो और मिलिट्री एडवाइस की क्वालिटी इंप्रूव हो, इसीलिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नई पोस्ट बनाई जानी चाहिए। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से रिपोर्ट लेंगे और उन सभी रिपोर्ट्स को एक शामिल करके एक साथ एक फाइनल रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्टर को देंगे, एक फाइनल एडवाइस डिफेंस मिनिस्टर को देंगे। इसीलिए कारगिल रिव्यू कमेटी ने सजेस्ट किया था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाम की एक नई पोस्ट बनाई जानी चाहिए। 15 अगस्त 2019 को लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया था कि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नई पोस्ट बना रहे हैं और अब साल के अंत में आते आते चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर जनरल बिपिन रावत को नियुक्त कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मेन जिम्मेदारियां क्या होंगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सबसे मेन जिम्मेदारी ये है कि तीनों सेनाओं के बीच में एक पूरा सामंजस्य बैठाया जाए जिससे जो मिलिट्री प्रोक्यूरमेंट है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए और मिलिट्री ट्रेनिंग की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए और जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। मैं आपको एक उदाहरण के जरिए ये समझाता हूं। अभी हमारी वायुसेना ने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का करार किया फ्रांस के साथ। जो राफेल फाइटर जेट है उसका एक नेवल वर्जन भी है और फ्रांस की नौसेना अपनी नेवी के लिए राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है। अभी हमारे देश की नौसेना को भी नए लड़ाकू विमानों की जरूरत है। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नई पोस्ट बनने के बाद ये पॉसिबल हो सकेगा कि जो फाइटर जेट हमारी वायुसेना के लिए खरीदा गया है उसी परचेज के तहत हमारी नौसेना के लिए भी वही फाइटर जेट खरीदा जा सकता है। इससे फायदा यह होगा कि जो मिलिट्री प्रोक्यूरमेंट है, जो हथियार खरीदने की जो पूरी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस इंप्रूव की जा सकेगी और जो राफेल फाइटर जेट वायुसेना के लिए खरीदा गया वही राफेल फाइटर जेट हमारी नौसेना के लिए भी खरीदा जा सकता है, जिससे मेंटेनेंस में आसानी होगी। आपको एक उदाहरण और देता हूं। अभी हमारी वायुसेना ने अमरीका से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। हमारे देश की थलसेना ने भी ये कहा कि उसको भी कम से कम 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट होने के बाद ये संभव हो सकेगा कि जब वायुसेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे तो उसी समय थलसेना के लिए भी वही अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे जा सकते हैं। तो कुल मिला के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट होने के बाद जो मिलिट्री प्रोक्यूरमेंट है, मिलिट्री ट्रेनिंग है और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें काफी सुधार देखा जाएगा। इसके अलावा अभी हमारे देश की सेनाओं की 19 कमांड हैं और इन 19 कमांड में से सिर्फ 2 ही कमांड ऐसी हैं जो ट्राई सर्विस कमांड हैं, जहां पे थलसेना भी है, नौसेना भी है, वायुसेना भी है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की एक अन्य प्रमुख जिम्मेदारी ये होगी कि इन सभी 19 कमांड्स को ट्राई सर्विस कमांड बनाया जा सके। सभी 19 कमांड को ट्राई सर्विस कमांड बनाने के बाद फायदा ये होगा कि थल सेना के जो रिसोर्सेज हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन आएगी, वायुसेना के जो रिसोर्सेज हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन आएगी, नौसेना के जो रिसोर्सेज हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन आएगी। फिर उन सभी इंफॉर्मेशन को एक जगह पूरा एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी रणनीति बनाई जाएगी और उसको तीनों सेनाओं मिलकर उस रणनीति को अंजाम देंगी। कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के बाद हमारी मिलिट्री की जो मारक क्षमता है वो मारक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि सभी कमांड को ट्राई सर्विस कमांड बना दिया जाएगा। अगर हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट के बारे में अन्य बातें करें तो जो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहेंगे वो रिटायर होने के बाद 5 साल तक किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं कर सकते हैं और CDS से रिटायर होने के बाद वो किसी भी अन्य गवर्नमेंट पोस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पहले CDS जनरल बिपिन रावत की, तो जनरल बिपिन रावत ने दिसंबर 1978 में सेना को ज्वाइन किया था और उसके बाद
1 जनवरी 2017 को वो थल सेना के प्रमुख बनाए गए थे और वो 31 दिसंबर 2019 को थल सेना के प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे और उसके बाद उन्होंने CDS का पद यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभाल लिया है। अगर जनरल विपिन रावत की बात की जाए तो जब वो थल सेना प्रमुख थे तो उस समय उनके कार्यकाल में काफी सुधार किए गए, जैसे एक स्पेशल फोर्स डिवीजन बनाई गई जिसमें वायुसेना, नौसेना और थल सेना की स्पेशल फोर्सेस के जवान को शामिल किया गया और तीनों सेनाओं की स्पेशल फोर्सेस को मिला के एक नई स्पेशल फोर्स डिवीजन बनाई गई। इसके अलावा जनरल विपिन रावत के कार्यकाल में ही थल सेना के अंदर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाए गए। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को अगर आपको आसान भाषा में समझाएं तो जो थल सेना की अलग अलग जो विंग्स होती हैं, जैसे ये मैकेनाइज्ड डिवीजन है, ये इन्फेंट्री डिवीजन है, ये आर्टिलरी डिवीजन है, ये एयर डिफेंस की डिवीजन है, तो ये पहले अलग अलग होती थी। जनरल विपिन रावत के समय में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाए गए। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के तहत ये सभी जितनी अलग अलग विंग थी, मैकेनाइज्ड जो विंग थी, जो आर्टिलरी विंग थी, जो एयर डिफेंस की विंग थी, जो इन्फेंट्री विंग थी, उनको सबको शामिल करके, जो माउंटेन स्ट्राइक कोर्प थी, उनको सबको शामिल करके एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाया गया ताकि थल सेना की मारक क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जो साइबर एंड स्पेस कमांड होगी वो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंदर ही रहेगी। तो साथियों, आज हमने आपको बताया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नई पोस्ट के बारे में, ये पोस्ट क्यों बनाई गई और इस पोस्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। आपने हमें सुना उसके लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे विश्लेषण हम आपके सामने रेगुलरली पेश करते रहें। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।